हे घोस्टली आर्मी, कैसे हो आप सब। तो आज मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ जिसका नाम है ट्रेलर ब्रेकडाउन ऑफ स्लेंडर मैन, प्लस हम कुछ एनालिसिस करेंगे क्योंकि इसका पहला ट्रेलर 6 महीने पहले आया था और अब हाल ही में इसका नया ट्रेलर आउट हुआ है, तो उसमें हमें काफ़ी सारी डिटेल्स दिखी हैं कि मूवी में एक्चुअल में क्या हो सकता है। हालांकि स्लेंडर मैन एक काफ़ी लो बजट फिल्म है, बट उम्मीदें बहुत हैं क्योंकि स्लेंडर मैन बहुत टाइम से यहाँ पर मार्केट के अंदर आया हुआ है। मार्केट का मतलब यह है कि इंटरनेट के ऊपर बहुत सारी इसके बारे में कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं और पता नहीं क्या क्या फैला हुआ है। तो अब देखते हैं, पहले तो हम देखेंगे कि ट्रेलर में एक्चुअल में क्या है और उससे क्या हम एनालिसिस कर सकते हैं। साथ में मैं आपको बताऊंगा स्लेंडर मैन के बारे में बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जो मुझे पर्सनली लगती हैं। तो अब चलते हैं सीधा स्लेंडर मैन के ट्रेलर एनालिसिस और ब्रेकडाउन की तरफ। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं ये बात नहीं करूँगा कि एक्चुअल में ट्रेलर में क्या हो रहा है। मैं आपको बताऊँगा कि जो 6 महीने पहले ट्रेलर आया था और आज का ट्रेलर जो आया है, उनके बीच में एक लिंक मैंने निकाला है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको स्टोरी बताऊँगा और फिर आप भी जाके चेक करिएगा और देखिएगा कि हाँ ऐसा हो सकता है या नहीं। तो ट्रेलर्स के अंदर ये चीज़ दर्शाई गई है कि एक लड़की है जो शायद पहले से ही स्लेंडर मैन का शिकार बन चुकी थी। वो बिल्कुल मेंटली सिक हो चुकी है और उसको हमेशा हॉस्पिटल के सुपरविजन में रखा जाता है। उसके बाद में यहाँ पर एक 4 लड़कियों का ग्रुप है जिसमें एक लड़की है केटी नाम की, और ये केटी लड़की जो है ये वही एक्ट्रेस है जो वीजी 2016 मूवी के अंदर थी। उसके बाद में मेरे ख्याल से केटी ने इंटरनेट पर स्लेंडर मैन की कोई साइट देख ली थी जिसके द्वारा स्लेंडर मैन ने उसको अपना प्रॉक्सी बना लिया था। प्रॉक्सी का मतलब ये होता है कि उसने उसका माइंड कंट्रोल कर लिया था, और स्लेंडर मैन की सबसे खास बात यही है कि वो आपके माइंड से खेलता है। उसके बाद में धीरे धीरे करके वहाँ से केटी गायब हो जाती है। अब केटी के गायब होने के बाद जो उसकी 3 फ्रेंड्स बची हुई हैं वो थोड़ी इन्वेस्टिगेशन करती हैं। केटी के फादर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं और सबसे पूछते हैं। वहाँ पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी होती है, पुलिस जंगल में भी ढूंढती है। उनको लगता है कि शायद जंगल की तरफ केटी गई थी और वहाँ से वो वापस नहीं लौटी, लेकिन उनको वहाँ पर कुछ नहीं मिलता। उसके बाद में यहाँ पर ये 3 दोस्त आपस में कुछ इन्वेस्टिगेशन करती हैं जब उन्हें लगता है कि पुलिस के पास इसका कोई जवाब नहीं है। जैसे कि आप जानते हो कि टीनेजर्स के खून में इतना ज़्यादा उबाला होता है कि वो खुद ही सब कुछ करने लगते हैं, और इवेंचुअली अगर हमारा भी कोई दोस्त होगा तो हम भी उसके लिए ऐसा ज़रूर करेंगे। उसके बाद में वो उसके रूम पे जाते हैं, वहाँ पर देखते हैं बहुत सारी फ़ोटोज़ जो स्लेंडर मैन के बारे में थी। वो उसका लैपटॉप क्रैक करके अंदर देखती हैं, वहाँ पर उन्हें देखता है एक स्लेंडर मैन की साइट। अब स्लेंडर मैन की साइट का वो वीडियो देखते हैं, और वीडियो देखते ही उन तीनों के दिमाग से भी स्लेंडर मैन खेलने लगता है। धीरे धीरे करके तीनों लोग आपस में एक दूसरे के साथ रहते हैं, लेकिन स्लेंडर मैन उन्हें बारी बारी से करके मारने लगता है। जैसे कि पहली वीडियो यानी पहले ट्रेलर में दिखाया गया था कि एक जो लड़की है घुंघराले बालों वाली, उसने अपने आप को ही क्लासरूम में मार लिया। अब स्लेंडर मैन क्या करता है कि आपको वो 2 ऑप्शन देता है, या तो आप खुद को मार लो या फिर आप अपने दोस्त को मार दो। अब यहाँ पर वो कश्मकश में सब कुछ चीज़ें चलती हैं, इवेंचुअली बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और ये लड़की जो है एक ये लड़की ऐसी है जो शायद से मेंटली सीख हो जाती है और बच जाती है, एंड में जंगल से बाहर आती है, और ये दृश्य पिछले वीडियो में दिखाया गया था। और इवेंचुअली अब की वीडियो में जो एक मेंटली लड़की जो सिक हो गई थी वो पकड़ लेती है इस लड़की का हाथ, क्योंकि मेरे ख्याल से इन 4 के ग्रुप में से सिर्फ ये एक लड़की बचती है। और अंत में जब ये वहाँ पर मेंटल हॉस्पिटल में जाती है उस लड़की से कुछ बात करने के लिए, वो उसका हाथ पकड़ती है और उसको एक नज़ारा दिखाती है। और यहाँ पर मेन यही है कि स्लेंडर मैन आपके दिमाग से खेलता है, और मेरे ख्याल से मूवी में इतना ही कुछ होगा। अब आते हैं मेन मुद्दे की बात पर कि स्लेंडर मैन रियल है या नहीं। तो यहाँ पर 2 बातें निकल कर आती हैं। एक 2014 का एक केस जिससे ये लगता है, और ये साबित तो नहीं होता लेकिन ऐसा कुछ लगता है कि शायद ऐसा हो सकता है। 2014 की बात है और वहाँ पर 2 लड़कियों ने एक अपने फ्रेंड को 19 बार चाकू मारा, और जब लेटर ऑन उनसे इन्वेस्टिगेशन करा गया तो उन्होंने यह बताया कि एक स्लेंडर मैन नाम का कोई ऐसी एंटिटी है जिसने उनको कहा था खुश करने के लिए कि अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है और मुझे खुश करना है तो तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा। और वो लड़की बाद में बच गई थी, और उसका ऑपरेशन पूरे 6 घंटे तक चला था, और शायद 3 साल के बाद वो प्रॉपर तरीके से एडमिशन उसने लिया और अपने पैरों पर वो चल पाई थी। इतने खतरनाक तरीके से उसे मारा गया था।
अब आते हैं बात कि ये फेक कितना है। तो मुझे लगता है कि 90% से ज़्यादा फेक है। ऐसा मुझे क्यों लगता है, यहाँ पर मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन यहाँ पर ऐसी कुछ पिक्चर्स हैं जो हर जगह दिखाई जाती हैं कि ये एविडेंस के लिए कि ये सच है। तो पहली फ़ोटो है ये फ़ोटो मैं आपको बता दूं कि ये फ़ोटो पूरी डॉक्टर्ड है, और यहाँ पर किसी फोरम पर एक कंपटीशन चला था कि आप कोई ऐसी एंटिटी और कोई ऐसी डेमोनिक प्रेजेंस बना के दिखाओ और जो जीतेगा उसे प्राइज़ मिलेगा। तो यहाँ पर किसी एक इंसान ने, एरिक नाम था उसका, तो उसने ये बनाया था, उसने ये एक डॉक्टर्ड फ़ोटो थी, और इसकी रियल आइडेंटिटी भी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये एक्चुअल में कौन था और जिसको कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर लगाया गया है। तो ये इंसान था जिसकी कॉपी पेस्ट करी गई थी, और इस फ़ोटो को लेकर थोड़ा सा एडजस्ट करके इसको बच्चों के साथ लगा दिया गया। ऐसी ही ये एक और फ़ोटो है जहाँ पर ये लग रहा है कि पीछे बहुत सारे बच्चे हैं और उनके पीछे कोई ऐसी आकृति है जिसका फेस नहीं है, कोई एक्सप्रेशंस नहीं है, जिसको स्लेंडर मैन बोला जाता है, और ये बच्चों की तरफ आ रहा है। तो ये भी बिल्कुल डॉक्टर्ड पिक्चर है, और ये दो पिक्चर्स ऐसी हैं जो बिल्कुल गलत हैं और इनसे कुछ साबित नहीं होता। बात रही कुछ फ़ोन कॉल्स की, तो फ़ोन कॉल्स मैं भी बना सकता हूँ, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट होते हैं जो बहुत अच्छी वॉइस निकाल सकते हैं, तो ये सब चीज़ें करना आसान है। तो 2014 का केस देखूँ तो मुझे लगता है कि हो सकता है, अदरवाइज़ मेरी तरफ से ये एक बिल्कुल ही फेक क्रीचर है, फिक्शनल क्रीचर है जैसे बगूल है। और यहाँ पर जो मूवी है, मूवी इटसेल्फ सेज कि ये फिक्शनल कैरेक्टर है और ऐसा कुछ भी नहीं है, ये रियल इंसिडेंट पर बिल्कुल भी बेस्ड मूवी नहीं होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब चीज़ें पसंद आई होगी, और मैं तो यही कहूँगा कि अगर आपको ऐसी कुछ चीज़ें दिखती हैं तो पहले उनको आप सर्च करा करिए, कि अगर कोई कह रहा है कि ऐसा है तो पहले खुद जाके थोड़ी सर्च करो, देखो और समझो, तब आप उसको मानो। सिर्फ आँख बंद कर कर आप मेरे पे भरोसा मत करो और किसी और पे भरोसा मत करो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ट्रेलर ब्रेकडाउन भी पसंद आया होगा, और मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए